नमस्कार, राम राम। मेरे साथ सरबजीत सिंह जी हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर के रहने वाले हैं, जो कि हमारे जम्मू का इलाका है। और पहली बार मेंढर से लाइन ऑफ कंट्रोल विलेज से कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे हैं। राजौरी पुंछ बेल्ट से सरबजीत सिंह सबसे पहले हैं। सरबजीत जी, कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक मेंढर से जाके अमिताभ बच्चन जी के साथ सीट शेयर करना, उनके सामने बैठना, तो एक्सपीरियंस को आप वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो मेंढर से मुंबई केबीसी में जा सकता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे मेंढर के लिए, मेंढर के हर निवासी के लिए है। तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करो और इसको ज़रूर देखो। बिल्कुल, कौन बनेगा करोड़पति तक पहुँचे हैं सरबजीत सिंह जी, जो कि आपको कौन बने करोड़पति सीजन 13 में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, राजौरी पुंछ बेल्ट के मेंढर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की कई बार आप खबर सुनते होंगे, वहां से आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि आर्मी स्कूल से पढ़ चुके हैं और बाकी इनकी जो स्कूलिंग है वो मेंढर से हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, तमिलनाडु से इन्होंने जो है एमएससी की है। आज वो हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ही इनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम। नमस्कार, राम राम। मेरे साथ सरबजीत सिंह जी हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर के रहने वाले हैं, जो कि हमारे जम्मू का इलाका है। और पहली बार मेंढर से लाइन ऑफ कंट्रोल विलेज से कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे हैं। राजौरी पुंछ बेल्ट से सरबजीत सिंह सबसे पहले हैं। सरबजीत जी, कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक मेंढर से जाके अमिताभ बच्चन जी के साथ सीट शेयर करना, उनके सामने बैठना, तो एक्सपीरियंस को आप वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो मेंढर से मुंबई केबीसी में जा सकता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे मेंढर के लिए, मेंढर के हर निवासी के लिए है। तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करो और इसको ज़रूर देखो। बिल्कुल, कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे हैं सरबजीत सिंह जी, जो कि आपको कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, राजौरी पुंछ बेल्ट के मेंढर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की कई बार आप खबर सुनते होंगे, वहां से आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि आर्मी स्कूल से पढ़ चुके हैं और बाकी इनकी जो स्कूलिंग है वो मेंढर से हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, तमिलनाडु से इन्होंने जो है एमएससी की है। आज वो हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ही इनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम। नमस्कार, राम राम। मेरे साथ सरबजीत सिंह जी हैं, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल मेंढर के रहने वाले हैं, जो कि हमारे जम्मू का इलाका है। और पहली बार मेंढर से लाइन ऑफ कंट्रोल विलेज से कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे हैं। राजौरी पुंछ बेल्ट से सरबजीत सिंह सबसे पहले हैं। सरबजीत जी, कैसा रहा आपका वहाँ का एक्सपीरियंस और आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक मेंढर से जाके अमिताभ बच्चन जी के साथ सीट शेयर करना, उनके सामने बैठना, तो एक्सपीरियंस को आप वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा एक्सपीरियंस है। और दूसरा, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई आदमी जो मेंढर से मुंबई केबीसी में जा सकता है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे मेंढर के लिए, मेंढर के हर निवासी के लिए है। तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करो और इसको ज़रूर देखो। बिल्कुल, कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचे हैं सरबजीत सिंह जी, जो कि आपको कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 में देखने को मिलेंगे। मैं आपको ये बता दूं, राजौरी पुंछ बेल्ट के मेंढर, जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एक इलाका है, जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की कई बार आप खबर सुनते होंगे, वहां से आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं जो कि आर्मी स्कूल से पढ़ चुके हैं और बाकी इनकी जो स्कूलिंग है वो मेंढर से हुई है। जम्मू यूनिवर्सिटी से बीएड किया है, तमिलनाडु से इन्होंने जो है एमएससी की है। आज वो हमारे जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ही इनको सपोर्ट करें। धन्यवाद। राम राम।